हेलो दोस्तों, मेरी चैनल ब्यूटी बाय बिनायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज्वेलरी का हॉल वीडियो। जी हाँ, काफी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जैसे तीज है, रक्षाबंधन है, तो इन सारे फेस्टिवल्स के लिए हमें कोई ना कोई नई ज्वेलरी पीस चाहिए होता है पहनने के लिए। तो इसीलिए मैं ये हॉल वीडियो लेकर आई हूँ। मैंने जो भी सारी ज्वेलरी सिलेक्ट की है सब बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है, 300 या 350 के अंदर है सारी। एक की शायद 350 तक भी है, बाकी तो सब 300 के अंदर है। तो इतनी अफोर्डेबल ज्वेलरी, इतनी अच्छी क्वालिटी वाली मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को आप देखें तो आपको जरूर पता चलेगा। और अगर आप कुछ भी खरीदना चाहें तो आपको सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब रही सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये फेस्टिव सीजन मैं आपके लिए एक गिव अवे होस्ट करना चाहती हूँ, जो गिव अवे एंड होगा रक्षाबंधन के दिन। जी हाँ, राखी वाले दिन यानी 22 अगस्त को ये गिव अवे एंड होगा। और इस गिव अवे के बारे में जो भी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं क्या गिव अवे करने वाली हूँ, किस तरह से करने वाली हूँ, इसके रूल्स क्या होंगे, वो सारे आपको इस वीडियो के थ्रू पता चल जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। चलिए अब और बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो सेट है ज्वेलरी का जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है एक इयररिंग्स का सेट, और वो सेट मैंने लिया है शाइनिंग दीवा फैशन में से। और इस सेट में आपको मिलते हैं 6 इयररिंग्स, 3 टॉप्स और 3 डैंगलर्स। बहुत ही अच्छी तरह से पैक होकर आया है ये मेरे पास, सब कुछ अच्छे से डब्बे में आया है। और ये है ये सेट फैशन ज्वेलरी का, जिसमें आपको मिल जाते हैं 3 टॉप्स, ये पिंक कलर वाले टॉप्स, ये व्हाइट पर ये रस्टी गोल्ड का फ्लावर, ये गोल्डन टॉप्स जो बहुत ही क्लासी लगते हैं किसी भी आउटफिट के साथ। फिर ये इयररिंग्स हैं गोल्डन डैंगलर्स, सिल्वर डैंगलर्स, और ये ग्रीन स्टोन के साथ गोल्डन लीफ डैंगलिंग। तो ये सारे इयररिंग्स आपको मिल सकते हैं सिर्फ 249 रुपीज में। अब मैं इन सबको आपको पहनकर भी दिखाऊंगी तो आप देखेंगे कि ये कैसे लग रहे हैं और इनका लुक कैसा आता है। ये मैंने पिंक टॉप्स पहन लिए और आप देख सकते हैं कितने क्लासी और सटल और डेंटी लग रहे हैं ये। अगर आपको इन्हें रेगुलर वेयर में भी पहनना है, कॉलेज में या ऑफिस में, तो ये बहुत ही क्लासी लगेंगे और बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। ये वाइट फ्लोरल टॉप्स हैं, रस्टेड गोल्ड है यहाँ पे सेंटर में जैसे आप देख सकते हैं, और ये भी ऑफिस वेयर, डेली वेयर, कॉलेज वेयर के लिए बहुत क्लासी लगते हैं। इनफैक्ट अगर आपका व्हाइट आउटफिट है और आप इसे मोतियों की चेन के साथ पेयर करेंगे, मोती के नेकलेस के साथ पेयर करेंगे, तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। और ये है गोल्डन टॉप्स, कितने क्लासी लग रहे हैं ये, बहुत ही सटल और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अब चलते हैं डैंगलिंग इयररिंग्स की तरफ। और ये है अगले इयररिंग्स, यहाँ पे बीच में ग्रीन बीड का काम किया हुआ है और ये इसकी डिजाइन है, बहुत ही एलिगेंट और सुंदर लग रहे हैं मुझे ये। देखिए आप, आज के मेरे ड्रेस के साथ भी, वेस्टर्न आउटफिट हो चाहे इंडियन आउटफिट हो, दोनों पे ये कितने खूबसूरत लगेंगे। अगले इयररिंग्स है ये, इसकी डिजाइन भी कुछ इस तरह से है, इसमें आपको ब्लू स्टोन का काम किया है ऊपर और फिर इस तरह से इसकी डिजाइन है, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और जैसे मैंने बताया, इंडियन वेस्टर्न किसी भी आउटफिट के साथ आप इन्हें पेयर कर लीजिए, बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। ज्यादा लंबे भी नहीं है, बिल्कुल हैवी नहीं है, लाइट वेट है, तो आप आराम से इसे पूरा दिन भी पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, है ना, बिल्कुल फेस्टिव अप्रोप्रिएट ये इयररिंग्स। तो इस सेट के जो लास्ट इयररिंग्स है वो है ये, जिसमें आपको यहाँ पे ग्रीन स्टोन की डिटेलिंग की हुई है और यहाँ पे ये लीफ बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत इयररिंग्स है, बहुत ही प्यारे लगे मुझे ये पूरे सेट में से, ये मेरे फेवरेट इयररिंग्स है। ऑफकोर्स मुझे सारे इयररिंग्स अच्छे लगे, बट ये पर्टिकुलर इयररिंग्स मेरे फेवरेट है।
मुझे इसकी डिजाइन और कट वगैरह सब बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। तो ये था पूरा ये 6 ईयरिंग्स का सेट जो मुझे मिला है सिर्फ 249 रुपीज में। अगर आप इसे खरीदना चाहें तो आपको लिंक जैसे मैंने पहले बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। तो ये है ये पूरा सेट, एक बार फिर से नजदीक से आप देख लीजिए, बहुत ही क्लासी और बहुत ही वर्थ द प्राइस सेट है ये। अगली जो ज्वेलरी है मेरे पास वो है येलो चाइन्स से, एक लेयर्ड नेकलेस है ये, बटरफ्लाइज की डिजाइन का है। मैंने बीच में इसे अपने एक वीडियो में पहना था और लोगों ने बहुत तारीफ की थी, इनफैक्ट काफी लोगों ने मुझे पूछा था कि आपने ये कहाँ से खरीदा। तो ये मैंने अमेजोन से लिया है और इसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगी, तो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। और ये मुझे मिला है अगेन सिर्फ 249 रुपीज में। इसमें यहाँ पे छोटे छोटे बटरफ्लाइज दिए गए हैं और बीच में छोटे छोटे दाने दिए गए हैं। 3 बटरफ्लाइज अपर लेयर में है और 3 बटरफ्लाइज लोअर लेयर में है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये नेकलेस अगर आप देखें तो, इस तरह से अगर ओपन नेक का टॉप है आपका तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा आपके गले में। इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है और ये लुक भी बहुत अच्छा देता है। ऐसा ज्वेलरी पीस है जो मुझे लगता है आप इंडियन वेयर वेस्टर्न वेयर सबके साथ पहन सकते हैं, काफी मल्टीटास्क कर सकते हैं इसको। और अगर आप इसे तीज पर या रक्षाबंधन के लिए पहनना चाहते हैं या किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये एक आइडियल गिफ्ट होगा। नेक्स्ट जो पीस ऑफ ज्वेलरी है वो मैंने ली है यूबेला ब्रांड से और ये भी एक इयररिंग्स का सेट है। मुझे इयररिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है, चेन से ज्यादा मुझे इयररिंग्स पसंद आते हैं, इसलिए मैंने ये सेट मंगवाया है। इसमें मुझे 4 इयररिंग्स मिल जाती है और ये सेट मुझे मिला है 299 रुपीज में, यानी 300 रुपए में मिला है। और 4 ब्यूटिफुल से इयररिंग्स मिले हैं मुझे, देखिए एक तो ये है, दूसरा है ये, ये तीसरा है, और ये जो मैंने वीडियो के बिगिनिंग में पहना था। तो अब मैं आपको ये चारों पहनकर दिखाती हूँ और बहुत ही क्लासी लगती है, चाहे वो आप फिर वेस्टर्न वेयर के साथ पहने या आप इंडियन वेयर के साथ पहने। मैंने अभी एक ड्रेस पहना हुआ है और ये ड्रेस के साथ भी इतने खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए आप इसे आप किसी भी कलर के ड्रेस के साथ पेयर कर लीजिए, ये खूबसूरत ही लगने वाले हैं। और ऐसे 4 पीस आपको मिल रहे हैं सिर्फ 300 रुपीज में। अब मैं आपको दूसरी इयररिंग पहनकर बताऊंगी। तो ये है दूसरी इयररिंग का लुक, वो राउंड शेप में थी, ये थोड़ा सा ओवल शेप है और इसमें ग्रीन बीड्स लगे हुए हैं, ग्रीनिश ब्लूइश कलर है, तो आप किसी भी ग्रीन ब्लू आउटफिट के साथ इसे पेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट कॉन्ट्रास्ट में तो आप इसे किसी भी कलर के कपड़ों के साथ पहन सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो चारों इयररिंग्स हैं इन्हें मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि ये बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल हैवी नहीं है, कानों पर किसी तरह का प्रेशर नहीं आता है, कुछ खिंचता नहीं है, कुछ नहीं, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आते हैं। अब चलते हैं इसी सेट के 3rd इयररिंग की तरफ जिसमें लगे हैं व्हाइट बीड्स और इनका शेप मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप मुझे पूछे तो ये पूरे सेट में जो 4 इयररिंग्स आए हैं इसमें से मुझे ये वाले इयररिंग्स का शेप सबसे ज्यादा पसंद आया है। इस तरह के इयररिंग्स हैं, ये लग रहे हैं ना खूबसूरत, कम से कम मुझे तो बहुत अच्छे लगे, आई एम श्योर आपको भी अच्छे ही लग रहे होंगे। इतने खूबसूरत लगते हैं पर बिल्कुल हैवी नहीं है, हैवी लुक देते हैं बट हैवी नहीं है कानों में। और अब इसी सेट का लास्ट पीस है जो है एक वर्सेटाइल इयररिंग, इसमें मल्टी कलर के बीड्स लगे हुए हैं तो ये काफी वर्सेटाइल हो जाता है किसी भी आउटफिट के साथ, इंडियन वेयर हो, वेस्टर्न वेयर हो, कोई भी कलर का आउटफिट हो आप इसे आसानी से पेयर कर सकते हैं। है ना बहुत खूबसूरत इयररिंग्स, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मुझे लगता है वेस्टर्न वेयर से ज्यादा इंडियन वेयर पे अच्छे लगेंगे, बट
डिपेंड्स ऑन आप क्या पहन रहे हैं। वैसे तो जीन्स के साथ भी, अगर आप कोई टी शर्ट पहन रहे हैं तो उसके साथ भी ये काफी अच्छे ही लगेंगे। और ये काफी लंबे हैं, आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर टच करें, काफी लंबे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। लेकिन फिर भी कानों में कोई खींचातानी नहीं हो रही है, कोई हैवीनेस नहीं लग रही है मुझे अपने कानों में। तो ये था ये चार इयररिंग्स का सेट यूबेला का। जैसे मैंने बताया मुझे 300 रुपीज में ये पूरा सेट मिला है, प्रिसाइसली कहूँ तो 299 रुपीज में मुझे ये पूरा सेट मिला है। अगली जो ज्वेलरी मैंने ली है वो है ज्वेल्स गैलेक्सी ब्रांड की, जो मैंने ली है अमेजोन से। और ये एक नॉटेड चेन है, इस तरह से नॉटेड चेन है जो काफी हैवी लुक देता है गले में। और आजकल आप जानते हैं ये बहुत ज्यादा फैशन में है और ये इतना प्यारा लुक देता है, आप देख सकते हैं पूरे गले को भर देता है, चोकर की तरह पूरा गला इससे भर जाता है। और ये अगर आपने पहन लिया अपने सलवार सूट के साथ या किसी साड़ी के साथ, तो आपका गला इतना अच्छा भरा भरा दिखेगा। या आप इसे एक्चुअली वेस्टर्न आउटफिट के साथ भी पहन लीजिए तो भी ये नॉटेड चेन बहुत अच्छी लगेगी। तो इसलिए मैंने भी अपने लिए एक ये मंगवा ही ली है और ये मुझे मिली है 230 रुपीज में। इसमें आपको एडजस्टमेंट के लिए चेन भी मिल जाती है, तो आप अपने साइज के हिसाब से इसे एडजस्ट करके पहन सकते हैं। तो ये था मेरा अगला परचेज। अब इस हॉल के लास्ट परचेज की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने गिव अवे के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं होस्ट करने वाली हूँ एक गिव अवे अपनी चैनल पर, और 22 अगस्त यानी रक्षाबंधन वाले दिन वो गिव अवे एंड हो जाएगा और फिर मैं उस गिव अवे का विनर अनाउंस करूंगी। आज मैंने आपको जो भी ज्वेलरी दिखाई है, जो भी ज्वेलरी सेट्स दिखाए हैं या अभी दिखाने वाली हूँ, उनमें से कोई एक ज्वेलरी पीस एक लकी विनर को मैं गिफ्ट करूंगी इस गिव अवे के एंड में। तो अगर आपको इनमें से कोई भी ज्वेलरी सेट या कोई भी ज्वेलरी पीस जीतना है तो आपको क्या करना है, रूल्स बहुत ही सिंपल है। आपको मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको कौन सा ज्वेलरी पीस सबसे ज्यादा अच्छा लगा। मैंने आज अपने वीडियो में जो भी ज्वेलरीज या ज्वेलरी सेट्स दिखाए हैं उनमें से आपको कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है ये मुझे कमेंट में बताइए, और हो सकता है आप वही वाला सेट, वही वाली ज्वेलरी जीत जाएं और आप इस गिव अवे के विनर बन जाएं। ये गिव अवे के रूल्स काफी सिंपल है, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगी। और ये गिव अवे इंडियंस के लिए ओपन है, पूरे इंडिया में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इस हॉल का सबसे आखिरी ज्वेलरी पीस, और ये है एक स्टेटमेंट इयररिंग्स जो मैंने लिए हैं शाइनिंग दीवा फैशन में से अगेन। और देखिए इसकी पैकेजिंग इतनी खूबसूरती से पैक होकर आए हैं ये, और ये ही एक इयररिंग्स है जो मुझे 334 रुपीज के मिले हैं। और ये कुछ ऐसे दिखते हैं, मैं इन्हें खोलकर आपको दिखाती हूँ। अब आप मुझे बताइए ये स्टेटमेंट इयररिंग्स हैं या नहीं, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। थोड़े से हैवी हैं ये कान पे, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, मैं सच बताना पसंद करती हूँ, ये इतने लाइट वेट नहीं है, ये थोड़े से हैवी हैं, बट ये इतने बड़े हैं और इसमें इतने तीन लेयर के इयररिंग्स हैं तो ऑब्वियसली थोड़े से हैवी तो होते हैं, बट इतनी हैवीनेस चलती है यार, इतने खूबसूरत इयररिंग्स अगर हो तो इतना तो हम लोग बेयर कर सकते हैं, है कि नहीं। बहुत ही मुझे खूबसूरत लगते हैं ये इयररिंग्स, आपको कैसे लगते हैं जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। तो ये था मेरा पूरा ज्वेलरी हॉल वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मेरा जो गिव अवे मैंने अनाउंस किया है उसके रूल्स आपने अच्छे से सुन लिए होंगे, समझ लिए होंगे और आप उन्हें फॉलो करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे मेरे इस गिव अवे में। अगर आपको कोई रूल्स नहीं समझ में आए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सारे रूल्स लिख दूंगी, तो आप उसे फॉलो करके इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, बाय।
बाय बाय।